गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून ना गुड मॉर्निंग ही है 11:53 है टुडे इज़ थर्सडे एंड टुडे इज़ 20th of June कहने को 20 डिग्री है आज सारा दिन बारिश होनी है एंड एज यू कैन सी इन द बैक और इट्स ऑल क्लाउडी वेरी वेरी क्लाउडी और सुबह जब उठा था तो बारिश हो रही थी तो एक दिन धूप निकलती है और एक दिन बारिश होती है इट्स सच एन आइडियल सो फार एज आई सेड इन माय दूसरी वाली उसके ऊपर वीडियोस में जिस तरह मैं जिक्र कर चुका हूँ कि टोरंटो में गर्मी पड़ती है तो मैं यहाँ बैठा था एक पार्किंग लॉट में किसी काम के सिलसिले में आया था आई एम वेटिंग फॉर द कॉल तो उस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना इतने सारे क्या नाम है वो आए हुए हैं क्या नाम है क्या आए हुए हैं यार क्वेश्चंस आए हुए हैं और कमेंट्स आए हुए हैं तो मैंने कहा लेट्स टेक केयर ऑफ दोस जे जाए के वक्तन फवक्तन सबको मैं टाइप करूं और तो मैं इन सब के जवाब दे देता हूँ तो लेट्स स्टार्ट तो कहाँ से कहानी शुरू की जाए तो क्या नाम है कमेंट्स नंबर वन जो पहले आया है तनवीर उस्मानी साहब ने मेरी ट्रिप टू डाउनटाउन की जो वीडियो थी पार्ट टू उसका उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है वेरी अमेजिंग ही डज वॉच ऑल माय वीडियोस तो ही स्टार्टेड रिसेंटली तो उनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई हैं और उनके बकौल उन्होंने एक इससे पहले जो कमेंट किया था कि मेरी जो चोनशा पार्क ग्वांजो की थी और जो जिस तरह वहाँ पर चाइनीज़ जो थे दे आर वेरी एक्टिव इन देयर पार्क्स तो उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तानी बुज़ुर्गों के लिए इट कुड बी अ गुड एक तरीक़ेकार हो सकता है अगर वो भी इस तरह पार्कों में निकले तो अपने आप को देखें कीप इट एक्टिव दूसरा कमेंट है FO2ADO आई डोंट नो इसका क्या मतलब फुतादो कह सकते हैं मेरा ख्याल है अगर इसको लाहौर रेलवे स्टेशन के सिलसिले में वो जिना एक्सप्रेस पे जा रहे हैं मैं उनको बड़ा डिटेल जवाब दे चुका हूँ बहुत डिटेल जवाब दे चुका हूँ कि जिना एक्सप्रेस पे अगर आपको बुकिंग करनी है तो कैसे करनी है तो इस क्वेश्चन आंसर का एक फ़ायदा मेरा ये भी होता है इस तरह के बहुत सारे लोग हर कोई कमेंट्स तो पढ़ता नहीं है तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि भाई उनको जो जवाब दिया जा रहा है इट कुड बी ए गुड इन्फॉर्मेशन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है बाकी लोगों के लिए तो मैंने उनको बताया है कि भाई पहली बात ये जिना एक्सप्रेस में जब भी आप बुकिंग करने जाएं तो कोशिश करें एक और चार की लें एक और चार जो है ये विंडो की सीट है तो एक और चार पे अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे एक नंबर दे दो या चार नंबर दे दो वो कहे लड़की जो वहाँ पर बैठी हुई है कहाँ पर है यार वो तो मैं नाम भी भूल गया डेविस रोड के ऊपर जो इनका लाहौर से बात कर रहा हूँ मैं मुझे कराची का नहीं पता कि कहाँ से बुकिंग होती मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ तो वो उससे कहेंगे भी मुझे एक नंबर दे दो तो उससे उसका विंडो मिल जाएगी और इसी तरह चार की है और छः का केबिन होता है तो मजबूरन जो होते हैं अगर वो पूरा केबिन भरा हुआ है तो पाँच और छः वाले जो है आई मीन एक दो चार पाँच तीन और छः वाले आई बिलीव हुआ ना या जो भी हुआ आई मीन जो क्योंकि पहली दूसरी चौथी पाँचवीं पहली दूसरी तीसरी एनी हाउ तो जो ऊपर की बर्थ वाले हैं वो मजबूर होंगे कि भाई अब बैठ तो नहीं सकते यहाँ पर बैठ भी सकते हैं दे कैन लेकिन सामने जब खाली सीट एक पड़ी हुई है तो बीच में तीन में फंस के बैठना क्या ज़रूरी है तो दे विल गो ओवर देयर तो एनी हाउ बात लंबी हो रही है तो ये है राना महमूद साहब ने कहा है कि लाहौर लाहौर है नो डाउट लाहौर लाहौर है लाहौर इज़ अ सिटी नो डाउट अबाउट इट द सिटी ऑफ गार्डन्स विच यूज़ टू बी बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ गार्डन्स खतीजा बहन ने दिल्ली से कहा थैंक्स फॉर शेयरिंग द वीडियो मेरी जो रिवरवुड की जो वीडियो थी थैंक यू सिस्टर अच्छा जी ये खटक साहब हैं नाइस ब्रो अच्छा लगा देखकर ये गालिबन कौन सी वीडियो है ये मेरी वीडियो जो है या वाटर फ्रंट फेस्टिवल जो है उसके बारे में इन्होंने कहा कि इनको अच्छा लगा फिर क्या नाम है हाइड्रो कैनेडा ने कहा है कि भाई ड्राइव केयरफुली ऑब्वियसली ये मेरी खेवड़ा की जो मैंने अभी मई में मैं गया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वेलकम बैक टू पाकिस्तान अगेन अरे नहीं भाई मैं छलावा नहीं हूँ कि आज लाहौर में हूँ आज कनाडा में हूँ और ये
होता क्या है कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं भाइयों जो जमा हुई हुई हैं। कैमरे को मैंने पकड़ा हुआ है और इसको मैंने बैक व्यू मिरर के साथ अटकाया हुआ है, अगर गिरा तो मेरा कैमरे का भी काम हो जाएगा। ओह यू सी दैट वाज अबाउट टू फॉल, तो एनी आई कीप होल्डिंग इट। तो नहीं मैं यहाँ पर हूँ, तो ये जो बैक की जो मेरी पड़ी हुई है, अगर किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मेरी जो पुरानी स्टॉक में पड़ी हुई, इवन मेरी ग्वांजो और शंघाई की भी पड़ी हुई है वीडियोज़, क्योंकि मैं इसको आन गाड़ी को क्यों ना बंद कर दूँ, हाँ का टक टक कर रही है। तो एनी हाउ तो वो वीडियो जो है मैंने लोड की है। तो खेवड़ा जो है इट इज़ वन ऑफ द यूनिक, अगर कोई वाकई पूरी वीडियो ना देखे, जाने के भी ना देखे, लेकिन आखिर का पार्ट जो है उसको देखे तो ही विल बी सरप्राइज्ड एंड दे विल, वो चारों तरफ दाएं बाएं जो है सारे वो नमक के पहाड़ हैं, और उसके अंदर जो लाइट का जो इफेक्ट्स आते हैं, और वो 17 स्टोरीज हैं, और गालिबन जो वहाँ पर गाइड था उसने हमें बताया था कि हम इस वक्त 6th फ्लोर के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर है, तो इसका मतलब 5 टनल्स उसकी नीचे हैं और बाकी भी ऊपर हैं, और डिफरेंट जगहों पे, और फिर उसमें जो पानी रिस्क आता है, और जगह जगह जो पानी के पॉन्ड बने हुए हैं, और उसकी वजह से जो हाईवेज़ वगैरह उन पानी की वजह से ख़राब हो रही हैं। तो बराबर में ही उन्होंने कोई प्लांट, ICI वालों ने कोई प्लांट लगाया हुआ है जो उसकी ऐश होती है, सोडा ऐश होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो कुछ बनाते हैं उससे, क्योंकि वो जो, और अच्छे इर्द गिर्द की मैंने एक और चीज़ जो वहाँ नोट की कि उस नमक की इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट है उस पूरे इलाके के अंदर के करीब के किसी भी जगह पे मैंने कोई भी प्लांटेशन नहीं देखी, और इवन पानी मैंने फील किया कि रिस रिस के बाहर आ रहा है। अच्छा एक बात और, उस इलाके के अंदर जो मैंने ब्यूटी देखी है, एंड आई विश आई हैड टाइम, और मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल गो, एंड आई विल गो स्पेशली फॉर दैट रीज़न, अजीबो गरीब और खूबसूरत किस्म के परिंदे विच आई हैवंट सीन इन माई लाइफ, हैवंट सीन ऑन गूगल, हैवंट सीन इन एनी ऑफ द जू, क्योंकि मैं काफ़ी जू में गया हूँ। आई लव टू गो टू जू, ब्रुकफील्ड जू शिकागो में, लिंकन जू शिकागो में, और सफारी पार्क इधर पे इधर उधर पे, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नेचर एंड जोग्राफी एंड हिस्ट्री, वो मेरी जोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई लव टू। तो मैंने वो परिंदे नहीं देखे, और गालबन वो सारे के सारे परिंदे जो हैं, वो चूँकि मई का महीना था या कुछ भी कह लें, आई हैव नो क्लू, वो सारे साइबेरिया के या नॉर्दर्न परिंदे रहे होंगे, अजीब व गरीब किस्म के। तो अल्लाह की नेचर को देख के आदमी जो है ना, आई मीन दाद देने को दिल करता है, लेकिन चूँकि गाड़ी चल रही थी तो मैं उसकी फ़ोटो भी नहीं ले सका, लेकिन कभी फुर्सत के साथ वहाँ जाना हुआ था, आई विल डेफिनेटली, आई हैड मार्क इट डाउन। और आगे की कहानी क्या है, क्या नाम है, मिस्टीरियस हॉरर नाइट्स को मेरी रिवरवुड की जो है वो वीडियो बहुत पसंद आई, थैंक यू वेरी मच अनुपम प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मेरी जो है क्या है, आई बिलीव योर वीडियो रियली हेल्पफुल, कैनेडा रोटर इज ओनली चैनल, हाँ थैंक यू जी, आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन ओपिनियन, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इट्स द सेम स्टफ रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऑब्वियसली क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ना तो व्लॉगर हूँ ना प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ कि मैं आई एम लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, अ लॉट ऑफ मोनेटाइजेशन और एनीथिंग, मेरी अभी कोई मोनेटाइजेशन इसके ऊपर कोई शुरू नहीं हुई है, और मनी किसको बुरा लगता है, पानी पैसा आता हुआ, लेकिन मेरी जो कोशिश ये होती है कि व्हाट आई हैव लर्न इन माई लाइफ आई नीड टू पैस इट ऑन। 5-7 साल एक्टिव लाइफ के जो ज़िंदगी में रह जाते हैं इंसान के, तो जो आपने आपके पास है अगर उसको आप पैस ऑन कर सकते हैं, किसी बहाने से आप कोई ज्ञान या कोई इन्फॉर्मेशन बांट सकते हैं, तो आपको इसका सवाब ही मिलेगा, और चार आदमी अगर आपको दुआएं दे दें, दैट इज़ मोर देन मिलियन डॉलर, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और इसके बाद हैं, अल्लाह आपको भला करे, क्या नाम है, मिस्टीरियस हॉरर नाइट्स ने कहा है कि फॉरेस्ट ही बनाए, तो मैंने दे दी, मैं ऊपर से चल रहा हूँ तो पुराने भी इन बीच में आ रहे हैं। ये नसीम आशिक साहब ने कहा है कि क्या नाम है, ये उन्होंने बेनिफिट्स ऑफ प्रोज ऑफ द मूविंग टू कनाडा, जो भी बेनिफिट्स या प्रोज एंड कॉन्स है शायद उनके बारे में कहा है कि सेम इन हेयर इन UK। तो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट के बारे में उन्होंने कहा है, काउंसिल प्रॉपर्टीज़, तो अगर वो थोड़ा सा एलिब्रेट करके बता दें, डेफिनेटली ये टर्म वहाँ UK में यूज़ होती होगी, या तो इसको शायद वो शेल्टर को कह रहे हैं, या आई हैव नो आइडिया काउंसिल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है। मेरे जहन में था कि मैं इसको गूगल करूं, क्योंकि गूगल बाबा के पास तो सब कुछ है, गूगल बाबा सब बता देते हैं, तो आई डिडंट हैव चांस टू, अगर वो हो सकता है तो एक रिमार्क्स कमेंट्स मार के मुझे बता दें। कि वनीश चद्दा जी ने बताया है कि वाटर फ्रंट की वीडियो नंबर 4 जो है, ग्रेट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा
वंश चद्दा का मैं लिखा हुआ है सर के टोरंटो और न्यूयॉर्क में क्या फ़र्क है, कनाडा और यूएसए में क्या फ़र्क है, और सेकंड हैंड कार कैसे खरीदी जाए। मैंने एक वीडियो बनाई तो है हाउ टू बाय अ कार, लेकिन यकीनी बात है आई नीड टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो आई हैव नोटेड डाउन, सो वन डे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अनुपम जी ने बताया मुझे कि भाई हर स्टेट में, या मुझे पता था लेकिन वीडियो बनाते मेरे जहन में नहीं आया कि हर स्टेट की अपनी ज़बान होती है, उनकी अपनी सेकंड लैंग्वेज है ऑब्वियसली, तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी दैट, क्योंकि यस जो भी जितनी भी स्टेट्स या प्रोविंसेस जो भी आप कह सकते हैं ये इंडिया के अंदर, उनकी यकीनन अपनी ज़बानें होंगी हर एक की इंग्लिश के अलावा। और रहमान साहब ने कहा है मैं लास्ट नेम या फर्स्ट नेम में कुछ में गड़बड़ा जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना पूरा नाम लूँ लेकिन फिर भी मुंह से निकल जाता है। तो उन्होंने कहा है कि क्या कार इलेक्ट्रिशियन में हैं वहाँ पर वो लाहौर में, तो क्या वहाँ उनको इनको वहाँ इसकी जॉब मिल जाएगी, और वो शायद ही इज़ प्लानिंग टू कम हेयर। तो बॉस मैकेनिक की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग है, और अच्छे मैकेनिक के यहाँ, मेरा जो मैकेनिक है उसके पास तो जब भी जाओ तो वो 3 दिन बाद की डेट देता है, तो कार मैकेनिक की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है इफ़ यू आर रियली। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी जितने भी मैकेनिक वहाँ से आते हैं, यहाँ हर काम का एक लाइसेंस है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यू माइट हैव टू डू सम लोकल सर्टिफिकेशन, तो उससे आपका शायद काम बन जाए। अगर आप आते हैं और आके लोकल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो यकीन ही आपको यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाएगी। ट्रिपल आई है या आई को मैं पढ़ नहीं पा रहा, ऐनक भी नहीं है मेरे पास, AAA111 है गालबर्न। तो उन्होंने कहा होप टू क्रॉस यू समडे एनीवेयर इन मिसागा, हे आई से मोस्ट वेलकम, इट बी प्लेयर विल बी ऑल माइन डेफिनेटली, आई लाइक टू। मुझे एक आध मिले भी हैं मेरे जो व्लागर्स हैं इतफाक से यहाँ पर, एक सब्सक्राइबर मुझे दुबई में अबू धाबी में टकरा गए थे, उन्होंने पहचान लिया मुझे बहुत खुशी होती है। तो यस आई लव टू मीट इफ ही कम अक्रॉस मी एंड आई विल डेफिनेटली उनसे बातचीत होगी। उन्होंने मुझे राय दी है जैक डार्लिंग पार्क एंड अंबर बे, यस मैंने गूगल किया था, इट्स अ ब्यूटिफुल पार्क, तो आई नोट इट डाउन, सो मे बी वन डे जब भी मुझे चांस मिलेगा मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। चूजी लेडी ने कहा है कि भई आप कैमरे को इस तरह लगाएं कि आपको स्ट्रीट का, अच्छा मैं सेंटर में लगाता हूँ, अगर मैं राइट पे लगाऊँ या लेफ्ट पे लगाऊँ तो कैमरा जो है ना उस हिसाब से पिक नहीं करेगा, तो अजीब सी एक वियर्ड किस्म की आएगी, प्लस तो सेंटर में ही कैमरे को लगाया जाता है, तो इट गोइंग टू बी वेरी हार्ड। के ये हो सकता है कि मैं बीच बीच में बोल दिया करूँ कि अब ये इंटरसेक्शन ये है, तो दैट कुड बी ए एंड वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ड्राइविंग इन नेबरहुड वीडियो नंबर 4, शाहबाज साहब ने कहा ग्रेट, अच्छा हाँ उन्होंने वीड्स के बारे में कहा है जो ये खुदरा पौधे होते हैं, तो बाद में मेरे दिमाग में आया है, तो उन्होंने इसको जड़ी बूटी कहा है, जड़ी बूटी यस कह सकते हैं इसको जड़ी बूटी भी, लेकिन बाद में लफ्ज़ मेरे दिमाग में आ गया था खुदरा पौधे, ये खुदरा जो होते हैं घास के अंदर डेंडरलाइन या इस किस्म के जो होते हैं, तो उन्होंने बताया था क्योंकि वीड जो है मेरे दिमाग पर नहीं आ रहा था कि उसको क्या कह सकते हैं। ये टेक्निकल साहब ने कहा प्लीज़ गिव मी वन फ्री टूर फॉर मी, सो आई कुड अंडरस्टैंड दैट। इन्होंने फिर एक और क्वेश्चन किया कि हेलो कैसे हो भाईजान, आप पाकिस्तान से हो? हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वे ही साउंड्स के तो, एंड देर इज़ वन मोर, इंद्रानी शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लिविंग इन इंडिया, ऑब्वियसली डायबिटीज़ इज़ अ बिग चैलेंज ऑफ कोर्स, एंड आई एम नॉट डाइटिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, जो वर एवर फिट फॉर मी, मैंने उनको बहुत डिटेल किस्म का एक जवाब दिया है। तो आपको कार्बो है, प्रोटीन्स हैं, फाइबर है, इस सारा का कम्बिनेशन बना के कुछ ना कुछ लेके चलना है, क्योंकि मैं जिस तरह अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मेरे दाणे मुक गए, दाणे मुकने से मुराद ये है कि द वे बींग अ डायबेटिक यू कैन नॉट ईट द वे द खाबा यू यूज टू ईट, हम लाहौर में अपनी पंजाबी जबान में इसको खाबे के हिसाब से कहते हैं, तो खाबे ख़त्म हो जाते हैं, नाउ यू हैव टू मॉनिटर। आपने और वाकई हम जब लाहौर में थे या जब भी थे या शिकागो में थे, आई गॉट माई शेयर,
आई गाट माई शेयर, आठ आठ रोटियाँ, छः छः रोटियाँ, पाँच पाँच रोटियाँ हलीम के साथ या निहारी के साथ, चपातियों की बात कर रहा हूँ, दान की बात नहीं कर रहा, फुलके जो हैं, तो वो जवानी में सब हज़म हो जाता था, तो आई टेल हर के भाई आई हैड माई शेयर, सो आई हैव नो रिग्रेट। तो सेम थिंग बींग अ डायबेटिक, यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, बी एक्टिव। जैसे चार पाँच दिन से कुछ मेरा रियल इस्टेट का कुछ नए कोर्सेज हैं उसकी वजह से, या वीडियो भी सही तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, तो हर वक्त बैठा रहता हूँ। तो एक साहब ने एडोनिस का कहा है, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सो टाइम इज़ ऑलवेज, क्या ज़माना था, कभी दूसरा संडे नहीं आता था, अब ये है कि एक अभी फ्राइडे गुजरता है और दूसरा फ्राइडे आ जाता है, तो टाइम इज़ ऑलवेज एन इशू। अच्छा जी, और क्या है, उन्हीं के चल रहे हैं मैसेजेस बैक एंड फोर। मिस्टीरियस हॉरर नाइट्स ने मेरी जो वाटरफ्रंट फेस्टिवल की थी उनको, मेरे जो कमेंट्स में जो भी मैंने बातें की उनको अच्छी लगी, थैंक यू जी, अप्रिशिएट, दैट्स वेरी इनकरेजिंग। आई मीन मुझे इससे काफ़ी वो मिलता है कि भाई चलें, आई वॉन्ट से दैट वर्ड ऑन यूट्यूब, लेकिन मेरे मुंह में जो आता है मैं बोलता जाता हूँ। आई डोंट नो, पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। गेमिंग सेंटर ने कहा है कि एक वीडियो के बारे में कि 50,000 व्यूज़ हो गए हैं, यस थैंक यू वेरी मच, अराइवल एट लाहौर एयरपोर्ट, उस सबसे ज़्यादा इस वक्त उसी के व्यूज़ चल रहे हैं। अनुपम जी, दोबारा आपने कमेंट किया है कि भाई आई हैव टू बी केयरफुल, यस वाइल ड्राइविंग, मैं जो इस तरह पढ़ रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ कमेंट्स, इसलिए मैंने उनकी बात से और वैसे भी मैंने नोट किया है कि आई कैन नॉट पे अटेंशन द वे आई शुड, तो अब मैं आइंदा जो है ना ये मॉनिटर के ऊपर या सेल फोन के ऊपर वाइल्ड ड्राइविंग नहीं देखा करूँगा और कहीं बैठ के ही वीडियो बनाया करूँगा, दैट्स द ओनली वे। आशिक साहब ने कहा है कि अस्सलामु अलैकुम, कास्को में हलाल मीट मिलता है, यस समबडी एल्स टोल्ड मी दैट टू बिफोर, और यकीनन मैं जो है ना उसको जाके देखूँगा कि कहाँ पर मिलता है। अच्छा जी, शहबाज साहब ने कहा है कि मोबाइल डाटा के बारे में, तो मोबाइल डाटा के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ चार मेजर वो हैं, एक आपका बेल है, एक आपकी रॉजर्स है, एक फाइडो है, एक वर्जिन है, ये चार तो बहुत ही मेजर है। फिर टेंजरीन आ जाती है, फिर फ्रीडम है, फिर पब्लिक है, पता नहीं पब्लिक आजकल है कि नहीं है, फ्रीडम का तो मोबाइल का तो मुझे पता है। तो जो ए कैटेगरी की जो चार कंपनियाँ बनाएं, इनके पैकेज बहुत महंगे हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनके पास भी डील आती रहती है। जिस तरह मेरे पास एक बहुत ही आइडियल डील पिछले दिन क्रिसमस से 10 GB मुझे $60 में मिले थे, क्रिसमस में सेल चली हुई थी उनकी, मैंने आई ग्रैब्ड इट, और उसमें यह था कि भाई नए कस्टमर्स के लिए, तो आई वॉज वर्जिन का कस्टमर था, उसको वहाँ से ख़त्म करके मैं फाइडो पे आया, तो आई गॉट 10 GB फॉर $65, दैट्स आसम, दैट्स सो आसम। अभी कल मैंने देखी थी, स्क्वायर वन में ही लगी हुई थी, मैंने उसकी पिक्चर भी उतार ली है, 70, ब्रिंग योर ओन फोन, BYOP के नाम से आता है, ब्रिंग योर ओन फोन, BYOP, तो उसका उन्होंने कहा था कि भाई 75 डॉलर में जो है आपको अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड टैक्सिंग, अनलिमिटेड टैक्सिंग इंटरनेशनल कॉल कैनेडा वाइड अनलिमिटेड, तो मुझे जाके उसका पता करना है, अगर वो हुआ तो $10 में, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है 65-72, क्योंकि मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया का मैंने $7 का अलग से पैकेज लिया हुआ है, बिकॉज आई कॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे एक और डिजिटल बिजनेसेस हैं, बट एनी ऑफ उसके लिए मुझे कॉलें करनी पड़ जाती हैं, तो मुझे 5 सेंट पड़ता है USA का, नो 3 सेंट पड़ता है USA का, ऑल ओवर इंक्लूडिंग चाइना इंडिया एवरीवेयर 5 सेंट्स। तो अगर आपने कौन सी इसके ऊपर दाल रोटी का पूछना है, जिस तरह वो औरतें होती हैं घर में बैठी भी, बहन आज क्या पकाया, फिर वहाँ से जवाब आता है कि नहीं वो साग जल गया था, मुझे अपनी काम की बात करनी होती है, अगर मैंने 20 मिनट भी बात की, 20-25 जैसा $1 का हुआ, $1 में मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, चाइना वगैरह, आई कैन गिव। तो फाइडो की एक ये डील है, आप उसका वैल्यू पैक खरीदते हैं $7 का, एंड देन इट कॉस्ट यू अबाउट 5 सेंट, इवन पाकिस्तान भी 5 सेंट में ही है। एनी हाउ, तो एक तो ये डील है, तो मुझे ऑलरेडी जो अच्छा, इन्होंने $5 चूँकि बढ़ा दिए थे, 60 से 65 हो गए, 65 से 70 हो गए, 72 plus tax, तो $75-80 में, तो अगर वो मुझे मिल जाता है अनलिमिटेड डाटा के साथ, देन आई डोंट हैव टू शट ऑन एंड शट ऑफ माई, आई मीन सॉरी शट ऑफ कह रहा हूँ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ माई डाटा, बिकॉज आई हैव टू प्ले विद इट फ्यू टाइम्स, अदरवाइज मेरे 10 GB जो है ना 2 मिनट में निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सारी रात ऐसे सोए कि 2 मिनट में सारी रात ख़त्म हो गई, तो वाली बात होती है।
अब आगे ये पुराने ही ईद मुबारक के शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप इट राइट हियर। और मैं देखता हूँ दूसरी साइड पे, क्योंकि इनके भी दो तरह से वो चलते हैं। और क्या है, चलें फॉक्स या तो अब तक की ये है क्या नाम है वीडियोस की हद तक आए। मैं देख लूँ क्या नाम है ईमेल में क्या आया, तो वो भी मैं फारिग कर दूँ लगे हाथों। पहले तो मैं ये देखूँ ना कि वीडियोस मेरी हुई कितनी की। अच्छा जी, अब मैं अपनी ईमेल को उसमें जाऊँ, ले एक और ईमेल आ गई है क्या, शौकत हयात साहब की आई है। इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, ज़बरदस्त वीडियो है। मेरा नाम ये है और मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। और क्या है इनका, आप अच्छा, इन्होंने कहा है कि भाई मैं कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं ग्रेजुएट हूँ। सर इसके लिए मैं ओवर द यूट्यूब कह सकता हूँ, कनाडा वीज़ा डॉट, मेरी उनसे कोई एफिलिएशन नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव साइट आई हैव एवर सीन, canada.ca, आई मीन visa canada.ca के नाम से है ये वेबसाइट। मेरी उनसे कोई एफिलिएशन, लॉयर्स की साइट है, यकीनन महंगे ही होंगे, बड़ी कंप्रिहेंसिव है। उन्होंने उस पर 86 ways कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। और आजकल बेतहाशा कुछ रिलैक्सेशन भी हुई है आपकी केयर गेवर के अंदर, आपके एक्सप्रेस एंट्रीज के अंदर, प्रोविंशियल नामिनीज प्रोग्राम PNP जो कहलाता है उसके अंदर, प्लस 100,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ BC के अंदर। ये सब मैंने सुना है, YouTube पे देखा है, Google पे पढ़ा है, तो डोंट कोट मी ऑन दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोगों को अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कि जी मैंने कहा था तो ये सही होगा। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया। तो मैं किसी को, मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को फजूल में पंप अप करूँ या फजूल में किसी को गलत डायरेक्शन दे दूँ। मुझसे लोग पूछते हैं, मैं एक बता देता हूँ कि दीज आर द डायरेक्शंस। कभी कभी कहते हैं ना कि एक सीधा रास्ता भी बता दें तो वो भी कभी कभी अच्छा होता है। मैं पुठे पासे डालने का कायल नहीं हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर नहीं पता होगा तो मैं मना कर दूँ। तो आप इस वेबसाइट पर जाएँ, government.canada.ca पर चले जाएँ, वहाँ से देखें कि व्हाट आर योर ऑप्शंस। और इससे पहले की जो वीडियो में मैंने वीज़े से रिलेटेड आप लोगों से बात की है, बॉस मैं एक ही बात कहूँगा, यू हैव टू क्रिएट सम स्किल, यू हैव टू अपलिफ्ट योर लैंग्वेज। देर आर सो मेनी हार्ड वेज के विजिट वीज़े पे इसको पैसा खिलाया, उसको पैसा खिलाया, इस तरह करके आ गए। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से मच अबाउट इट। लोग आए भी हैं, इन्होंने आके यहाँ पर लोगों ने रिफ्यूजीज भी अप्लाई की है, मैंने जो सुनता हूँ मार्केट के अंदर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र सीखने की है, नेवर, इट इज़ नेवर टू लेट। लोग जो है आड़े तिरछे रास्तों की तरफ जिंदगियां गुजार देते हैं कि भाजी आपा कनाडा जाना, और यार कनाडा तो जा ही सकते हैं, आप जाएंगे, अंत नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन क्रिएट सम स्किल, क्रिएट सम स्किल, ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर। जी ये हर्डल्स हैं लैंग्वेज की, मुझे बातों बातों में ये ना भूल जाऊँ क्योंकि मुझे पिक करना है। एज़ यूजुअल मैं फिर यहाँ पर जिनको आया था उस दिन, एक पेशेंट को लेके, आज उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो मैं इसी पार्किंग लॉट में सनी ब्रुक के बैठा हुआ हूँ। एनी हाँ, तो ये इनकी जो ईमेल है इसका जवाब मैंने यहीं से दे दिया है। तो भाई ये वेबसाइट है canada.ca की, और मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही हेल्प कर सकता हूँ। मेरी किसी लॉयर से कोई एफिलिएशन नहीं है, किसी लॉयर से कोई बातचीत नहीं है। कभी कोई कहता है तो मैं किसी के लिए, वो भी रेडियो पे जो लॉयर्स आ रहे होते हैं, उनका नंबर यहाँ से उठाता हूँ और उनको कॉल करके, क्योंकि पहला मशवरा तो फ्री होता है ना भाई जी, तो मैं क्या ना, मैं अगर वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं पास ऑन कर देता हूँ। अच्छा तो एक तो ये बात होगी, चलें ये लगे हाथों। तो इनकी मेल आई थी उसका भी मैंने जवाब दे दिया। और हैं वंश करके हैं उनकी, बल्कि आज कॉल भी आई थी कि वो 4 महीने में आने वाले हैं। तो उनकी, आप लोगों की भी सबकी इतला के लिए मैंने, खैर उनसे तकरीबन आधा घंटा तो बात हुई होगी। तो वो प्रॉपर्टी आते साथ ही ख़रीदना चाह रहे थे, तो मैं हर एक को कहता हूँ कि भाई आप वहाँ से आप Airbnb का इंतज़ाम करके आएँ, जो इस वक्त सबसे आसान हुई, क्योंकि मोस्टली जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो फैमिलीज के साथ आते हैं। अगर आप किसी होटल में ठहरेंगे तो 400 नाइट तो वैसे ही पड़ जाना है भाई, अगर
$100 के हिसाब से भी एक रूम मिलता है, या अगर आप चलें डबल ले लिया आपने जो, तो $150-$200 आपके वैसे ही ठुक जाएंगे, फिर खाने पीने का मसला। बट इफ़ यू गो फॉर द एयर बी एन बी तो वो जो है काफ़ी आसान होता है और बहुत ही वो फिजिबल इस सेंस में होता है कि $70-$80 में, जिस तरह मेरे एक और अभी सऊदीया से आए थे तो उनको $70 में पड़ा था, उनको वॉशरूम मिला, उनको किचन मिला, तो अपना खाना भी ला के गर्म कर लेते थे, पका लेते थे। एयर बी एन बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ तमाम इमिग्रेंट्स के लिए। तो वहाँ से इसकी साइट्स हैं वहाँ से पहले से, लेकिन उसके लिए इतना बुक चल रहा होता है समर में, जिस तरह भी हम लोगों को वैंकूवर वगैरह जाना था, तो अगले एक महीने के लिए तमाम एयर बी एन बी तमाम होटल्स जो है कम्प्लीट बुक है, कम्प्लीट बुक है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे फैमिली के जाना चाह रहे थे। तो अभी तक हम जो है ना एयर बी एन बी, तो यहाँ समर जो है पर्टिकुलरली कनाडा के लिए, अगर समर में आप आते हैं, और समर में ही लोग आते हैं क्योंकि विंटर में यहाँ पर घूमना फिरना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक महीना पहले से इस पर काम करना शुरू करें और एयर बी एन बी बुक करें, और उसके बाद जो है मकान की, दुकान की, या जो भी बात करना है आप पहले इलाके को देख लें, हमें ना, या फिर कोई आपके जानने वाला यहाँ पर पहले से बंदा है आप लोगों के लिए कोई बेसमेंट वगैरह का इंतज़ाम, या अपार्टमेंट्स वगैरह का। बेसमेंट में लेना इसलिए मैं कहता हूँ आसान होता है क्योंकि अपार्टमेंट्स वगैरह में फिर वो क्रेडिट चेक आ जाता है, जॉब चेक आ जाता है, नहीं तो वो 6 डिपॉज़िट मांग लेते हैं, 4 डिपॉज़िट मांग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंटल पोजिशन अच्छी खासी टाइट है। तो एक तो बात ये हो गई, और क्या है, SSP करके हैं, इनको मैं जवाब भी दे चुका था, इनके लिए मैंने पता भी किया था, ये जो जॉब लेटर्स वगैरह इशू होते हैं यहाँ से, पैसों में कोई जॉब लेटर नहीं होता बॉस, और फिर उन्होंने भी रिसर्च किया और उन्हें बताया। अरोरा साहब, मैं फ़र्स्ट नेम नहीं लूँगा, सॉरी मेरे मुँह से निकलने लग गया था, सो नाइस ऑफ यू, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, दुबई में होते हैं, इन्होंने ही मेरा वो बना के दिया, जो मेरा वो कैनेडियन रोड ट्रैकर का जो भी आ रहा है, क्या कहते हैं लोगो कह लें आप इसको, और मेरी वो ब्रांडिंग जो की है, तो ये ही इज़ आई लव यू मैन, आई लव यू रियली, आई मीन दिस इज़ व्हाट द रिस्पेक्ट इज़, अपार्ट फ्रॉम बहुत दूर बात चली जाती है, दिस इज़ व्हाट द रिस्पेक्ट इज़ फॉर, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस, इन द सेंसेस के भाई कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे एक दूसरे की इज्जत, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। एंड एनी हाउ मिस्टर अरोरा, थैंक यू वेरी मच, एंड वो इन कपल ऑफ मंथ्स ही इज़ प्लानिंग टू कम हेयर, इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली मीट ईच अदर। ये बीबी ने क्या कहा है, ये तो कुछ और है, सॉरी, अरसल ने कहा है कि सलाम सर, माई नेम इज़, पूरा नाम नहीं दूंगा, अरसल, योर वीडियोज़ आर वेरी आसम, एज ए मेंटर एंड गाइड आई वॉन्ट टू आस्क यू टू गाइड मी टू सर्वाइव इन इंटरव्यू स्पेशली इन, अच्छा जी, यस, इनको मुझे जवाब देना था, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट। तो ये 18 साल के हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं, कैनेडियन सिटीज़न हैं, और यहाँ पर हाई स्कूल कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं इनको जो है ना ईमेल पे इन डिटेल जवाब दूंगा, डेफिनेटली इज़ कमिंग इन हाउ टू सर्वाइव, तो मैं इनको बताऊंगा कि देखिए सर्वाइवल का जहाँ तक ताल्लुक है, आप 18 साल के, आप यहाँ, आपको मैकडॉनल्ड्स में, क्योंकि आते साथ ही आपके पास ना तो गाड़ी होगी कि अगर ऊबर वगैरह चला सकें, या किसी फैक्ट्री वगैरह में भी जॉबें मिल जाती हैं $14-$15 की, यकीनी बात है आप हाई स्कूल करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पे होंगे जहाँ से कम्यूट करना आसान हो, तो आपको फैक्ट्रियों में भी जॉब मिल जाती है, जो जॉब एजेंसीज हैं, मैकडॉनल्ड में मिल जाती है, और आजकल जब से ये $14-$15 का पे रेट हुआ है तो अच्छे पैसे बन जाते हैं, $600-$700 का आपको कमरा मिल जाएगा, $800 का, और यू कैन सर्वाइव प्रीटी गुड। बाकी होता क्या है कि हाउ मच यू आर फोकस्ड में ये होता है कि एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन वे ऑफ एक्सपेंसेस, अगर पार्टी टाइम में चले जाएं तो मिनिमम वेज जो भी कमाते हैं वो 2 दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप वाकई फोकस्ड हैं, मैंने ये बच्चों को देखा है, अभी मैं उस दिन एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, द किड इज़ फ्रॉम गुजरात इंडिया एंड द वे ही गेव ऑल हिज स्केड्यूल फ्रॉम 6 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 2 AM इन द मॉर्निंग, आई वॉज सरप्राइज, दीज किड्स आर स्ट्रगलिंग, दीज किड्स आर बिल्डिंग, एंड आई रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ सल्यूट फॉर देम। क्लासों के बीच में जाके वॉलमार्ट की 2 घंटे की जॉब मारनी, 4 घंटे की जॉब मारनी,
फिर बीच में क्लास की, फिर जाके कहीं पर 4 घंटे का वो मारा। तो ये इट्स अ स्ट्रगल यू बिल्ट अप, आई डिड इट। मैं आई रिमेंबर वन टाइम आई वर्क 48 आवर्स, 36 या 48 आवर्स, व्हेन आई केम बैक आई वाज डेड। 12 घंटे की शिफ्ट है, रात का रिलीवर नहीं आया, व्हाट यू गोना डू? शिकागो की बात कर रहा हूं मैं, 12 घंटे की शिफ्ट आप काम कर रहे हैं और रात जिसने आपको रिलीज करना है वो नहीं आया है, और दोबारा भी आपको सुबह आपका स्केड्यूल है, आपको तो अपने स्केड्यूल पे खड़ा ही होना है, आप फिर खड़े हो गए, 24 घंटे हो गए, 12 घंटे आपने मार लिए, और उसके बाद आपके फिर सुबह से 7 से 7, 7 से 7 दूसरे दिन सुबह, 24 घंटे सुबह आपकी जॉब है, 36 शुरू हो गया, शाम में फिर उसने झटका दे दिया, 48 आवर्स। मुँह से कहने की बात है, आँखें उबल के बाहर आ जाती हैं, आंखें उबल के बाहर आ जाती हैं, ये हल्के उसी वक्त के पड़े हुए हैं, स्ट्रगल, देर इज़ अ स्ट्रगल। तो असल साहब डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू, वो जो होता है ना, वो जो गन्ने का एक बेलना होता है उससे आपको गुजरना पड़ता है टू बिल्ड अप योर सेल्फ। और आई प्राउडली से हर एक को मैं कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत दी, आई एम नॉट मिलियनर, आई एम नॉट अ बिग शॉट, लेकिन रात को सुकून से सोता हूँ, एटलीस्ट आई डोंट ओ एनीबॉडी एनी मनी। तो दैट्स व्हाट हाउ द थिंग्स गोज। चलें इससे पहले कि ये वो हो जाए, और क्या ईमेल है, तो यस यू कैन सर्वाइव मैन, वंस यू कम हियर प्लीज कॉन्टेक्ट मी। तो रजा साहब से कल बहुत डिटेल बात हुई थी, उनसे बात हो गई, और क्या है, और लंबी चौड़ी हैं और बहुत सारे, अच्छा जी और भी है, हसन डोगर साहब, अरे यार ये मुंह से निकल जाता है, बट एनी ऑफ। तो फॉर व्यूअर्स मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, आई डोंट नो हाउ इज गोना कम आउट, इट्स अ गॉर्जियस डे, आई एम हैविंग फन, आई एम वेटिंग फॉर द कॉल, ऑलमोस्ट क्या है, अब देखें ना 12:15 हो गए, अब मेरी सुबह एक क्लास थी मॉर्गेज की, मैंने इनके लिए वो अपनी मॉर्गेज की क्लास ख़त्म की, अब मेरी 1 से 2 की, 1 से ये जो रियल्टी मैंने ज्वाइन की है मार्केटिंग की क्लास है, और मुझे लगता है मेरी वो भी कैंसिल हो जाएगी। 12:30 बज रहे हैं और आई द जेंटलमैन हैवन कॉल्ड, उनका सीटी स्कैन था आज, डॉक्टर से उनकी मुलाकात थी, ओ खिदमत खल्क, अल्लाह आई होप ही वॉन्ट सी माई वीडियो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये क्लास भी मिस हो जाएगी। जफर साहब क्या कह रहे हैं, चलें व्यूअर्स, क्योंकि मेरा एक हाथ फंसा हुआ है, क्योंकि करूँगा तो कैमरा गिर जाएगा, और ये छोटा सा बेबी जो है मेरा तकरीबन अच्छा खासा कीमती है। तो चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लाइक आई सेड, क्योंकि बड़ी हैपजर्ड किस्म का ये इंटरव्यू, आई मीन क्वेश्चन आंसर है, अगर किसी को इसमें से एक पैनी की भी इंफॉर्मेशन मिल गई तो ये सफल हो जाएगी। और थोड़ा सा वो हो गया, ह्यूमिड सा हो गया है, क्या 20 डिग्री टेम्परेचर है, और वो जो बारिश से पहले जो ह्यूमिडिटी टाइप का, और वो जो हवा एकदम बंद है, तो थोड़ी सी गर्मी गर्मी सा माहौल है। तो चले व्यूअर्स, आप मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ये जैसी है वैसी ही लोड हो जाएगी, अब इसमें जो पॉज आए हैं या कुछ भी आए हैं तो आप लोग खुद ही इसकी कटिंग करो, खुद ही फॉरवर्ड करो, खुद ही आगे पीछे करो, और अगर इसमें से कुछ ज्ञान मिलता है तो पकड़ लो, बाकी नहीं तो भूल जाओ। चले Like I always request, please subscribe my videos. Please share करें, like करें, और comment ज़रूर कीजिएगा कि इसमें positive भले करें ना करें, obviously positive से encouraging मिलती है, लेकिन इसमें जो गलतियाँ हैं उसको ज़रूर note करा दिया करें, ताकि description में मैं उसको correct कर सकूँ। चलें मिलते हैं एक break के बाद। अब मैं कहाँ से off करूँ भाई, इधर से दोबारा जाना पड़ेगा, इधर से अगर ये खुल निकल आया तो, तो डाटा भी ऑन किया हुआ है, कैमरा भी ऑन किया हुआ है, नो कनेक्शन। चले मैं इधर से बढ़ के बंद करता हूँ कैमरे को। जी व्यूअर्स, ये पिछली वीडियो से मैं कनेक्ट करूँगा, मुझे नहीं पता वो कितने मिनट की हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि वेदर किस तरह का है, मैंने सिर्फ ये इसको ऑन किया है क्योंकि मैं यहाँ पार्किंग लॉट में बैठा हूँ इसको फिनिश अप करने के लिए या कुछ भी कह लें। तो आप वेदर को देखें, यहाँ पर बादल आए हुए हैं और थोड़ा सा ह्यूमिड है, ह्यूमिड से मुराद ये है कि पसीना आना शुरू हो गया इवन 20 डिग्री के अंदर। तो हवा अगर चल रही हो तो यही एक आइडियल मौसम है, नहीं तो ह्यूमिडिटी इस वक्त ठीक ठाक है। बारिश की प्रेडिक्शन थी सुबह से लेके रात 9 बजे तक का, रात को भी मैंने देखा था, सुबह उठे थे तो बारिश थी, लेकिन अब
देर इज़ नो सच थिंग, बिल्कुल ड्राई और ह्यूमिड हुआ हुआ है। चलें फोक्स, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक मिनट की ये वीडियो मारी है ताकि आप लोगों को पता लगे कि वेदर किस तरह चल रहा है। और अभी भी 20 डिग्री है तो इट्स नॉट दैट मच। जून में अभी बात आ रास्ते में आते हुए हो रही थी कि उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दुबई में और ओमान में, सऊदीया में और पाकिस्तान इंडिया में गर्मी जो है अपनी जोबन पे है। चलें व्यूअर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।